स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 68 मेंस के टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 1 हुआ है बीपीएससी 68 के लिए। तो आप में से काफ़ी लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें भी या ना करें, यानी कि पीटी के रिजल्ट आने का वेट भी कर रहे होंगे कुछ लोग। तो जो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो उसका आप लोगों को जवाब इसमें मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा है कि आपको आप पीटी पास हो रहे हो ना हो रहे हैं, आपके मार्क्स अगर बॉर्डर पे हैं या फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं या फिर थोड़े बहुत कम भी हैं, तो मेरा मानना है कि आपको पीटी का मेन्स का 68th के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। आप परफेक्शन का ज्वाइन कर सकते हैं, एडुटेरिया का भी ज्वाइन कर सकते हैं, इम्तिहान बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। अब अपने बजट के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो रखा है कि जो कम बजट वाले भी हैं, जो कम पैसे लेते हैं, वो भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है वो बैक टू बैक जल्दी जल्दी होता है। तो जो इस बार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वो आपको 69th में भी काम देगा, भले ही आप इसमें पीटी में फेल हो रहे हो, लेकिन वो आगे जाके काम देगा, क्योंकि विद इन 3 मंथ्स जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, अगर आप 69th के लिए भी हैं और आप पीटी की तैयारी कर रखे हैं, लेट्स आपको 70-80 नंबर आ रहे हैं, आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो वीडियो में देखते हैं कि जो क्वेश्चन कैसा कैसा था। इसमें कंपलसरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी और सी तीनों का आंसर देना यहाँ पे ज़रूरी है। जो एडुटेरिया वाला टेस्ट सीरीज हो रहा है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल 4 पार्ट्स में, और परफेक्शन आईएएस वालों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वेटेज अलग अलग है, 12 मार्क्स 12 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, टॉपिक सेम है पहले की तरह ही, लेकिन नए एंगल से पूछा गया है, जैसा कि बीपीएससी करती है। टॉपिक सेम होता है लेकिन उसे नए एंगल से पूछा जाता है। इसमें है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखे, तो ये 12 नंबर का है। तो जो 38 मार्क्स का होता है, उसमें लेट से 4.5 पेज लिखना काफ़ी हो जाता है, 4.5 पेज काफ़ी रहता है। तो 12 नंबर के लिए 1.5 पेज, मेरा ऐसा मानना है कि 1.5 पेज 12 नंबर के लिए काफ़ी रहेगा। तो ये 12 नंबर का है, तो इसके लिए भी 1.5 पेजेस, और जो 14 मार्क्स का है इसके लिए 2 पेजेस। अगेन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 1.5 पेजेस में ही, अगर आपके पास समय है, कंटेंट है, तो मैक्सिमम 2 पेज तक भी दे सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली 14 मार्क्स वाले में भी 2 पेज से ऊपर जाना कुछ खास सही नहीं रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन इंडिगो मूवमेंट किसान आंदोलन का प्रथम संगठित विद्रोह था, इस पर टिप्पणी करना है, कमेंट करना है, 1.5 पेज से 2 पेज में काफ़ी रहेगा। जनजातीय आंदोलन का स्वरूप बताएं, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि बीपीएससी आजकल पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें और करके दिया हुआ है, अथवा करके, इसमें पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और इसका इम्पोर्टेंस बताना है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में चंपारण सत्याग्रह का इम्पोर्टेंस क्या है वो बताना है, या फिर या तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जो पीजन मूवमेंट है, स्वामी सहजानंद वाज इन द फोर फ्रंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, स्पष्ट करें, साथ ही में बिहार में हुए कृषक आंदोलन में स्वामी जी तथा किसान सभा, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा दोनों की क्या भूमिका रही है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना, कुछ पॉजिटिव लिखने हैं, कुछ निगेटिव्स लिखने हैं, कुछ चीज़ में सक्सेसफुल रहा था आंदोलन, कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो उन सारे पहलुओं को यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इसका जो मॉडल आंसर है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा।
और जो एडिटोरिया वाला टेस्ट सीरीज होगा उसका भी मैं पीडीएफ वगैरह ऐड करता जाऊंगा। बट बेहतर ये होगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, वहाँ पे है कि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके। क्वेश्चन नंबर 3 है 1857 पे, तो पहले की तरह नहीं 1857 क्या था वो सब चीज़ें क्वेश्चन नहीं है। इसमें पूछा गया है 1857 का एक मिनट 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। उदाहरण सहित व्याख्या करें। मैं इंग्लिश मीडियम बोलूँ तो हिंदी में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। रिवोल्ट ऑफ 87 वॉज द कल्मिनेशन ऑफ रिपीटेड स्मॉल एंड लार्ज लोकल रिवेलियन। लोकल रिवेलियन में पीजेंट रिवोल्ट भी था, जो ट्राइबल रिवोल्ट भी था, हिल रेजिस्टेंस जो बिहार वाले में ढेर सारे थे उसका कल्मिनेशन था। इन द प्रिसीडिंग 100 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, इन द प्रिसीडिंग 100 ईयर्स मतलब 1857 से 100 साल पहले, यानी कि अब इसमें 1757 से लेके 1857 के बीच में जो रिवोल्ट्स हुए हैं उसको लेके भी पूछ रहा है कि उसके कारण आ गए ये कुछ हुआ है, तो उससे रिलेट करने को बोला जा रहा है। जो भी रिफॉर्म्स लाए गए थे परमानेंट सेटलमेंट या फिर डायरकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म उन सब के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है। या फिर जो अथवा है इसमें ये भी लिख सकते हैं जो सेकेंड पार्ट है वो मुंडा रिवोल्ट वॉज द मोस्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट इन द ट्राइबल मूवमेंट। जो ट्राइबल मूवमेंट था उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सबसे अधिक संगठित मुंडा रिवोल्ट था। इसका नेचर डिस्कस करना है, कॉजेज डिस्कस करने हैं और कॉन्सिक्वेंसेज प्रकृति कारण और परिणाम को विवेचना करना है डिस्कस करना। ये रहा हिस्ट्री वाला सेक्शन और इसमें पहले से बता दिया गया था कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसको पहले से प्रिपेयर करके जाना था। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है खासकर बिगिनर्स के लिए, एक लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, 1 वीक में उतना तैयार करने का समय मिलता है और वो इनफ होता है, 1 वीक वहाँ से तैयारी किया जा सकता है। जो सेक्शन 2 है वहाँ पे कि रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक है कि आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी, 12 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दूसरा है नेशनल बम्बू मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, 12 नंबर का क्वेश्चन। और ये कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 4, तीनों अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर है इंडिया इन ग्लोबल साउथ इन द ग्लोबल सिनारियो, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। इंडिया की पॉलिसी क्या है, उसके भूमिका क्या है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत चर्चित था, यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इजिप्ट पॉलिटिकल रिलेशन। यहाँ जो 26 जनवरी को इजिप्ट से जो वहाँ के प्रेसिडेंट, आई गेस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट रहे थे, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा उसके कारण इसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी ट्रेड रूट, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया के ट्रेड्स होते हैं यूरोपियन कंट्री की तरफ तो वो स्वेज कनाल से होते हुए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ऐड करना है यहाँ पर इसमें। या फिर ये कर सकते हैं अथवा में आ जाता है SCO G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता के संदर्भ में, जो इंडिया को चेयरमैनशिप मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दिसंबर 2022 में भी था, SCO का भी G20 का भी प्रेजेंटली है, तो इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसा रोल रहा, इफेक्टिव कितना रहा इंडिया, एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज चेयरमैनशिप इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SCO G20 एंड UNSC, और इसके जो भी चैलेंजेस हैं उसको एग्जामिन करना है, तो चैलेंजेस पे काफ़ी जोर दिया गया है, इस पर अच्छा खासा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन बहुत चर्चा में रहा था, पर ये बहुत दिन से ही चर्चा में आता रहा। और कार्बन ट्रेडिंग जो नया टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा लगता है क्वेश्चन के ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चर्चा में रहा। फिर जो सेक्शन 3 है, अगेन सेक्शन 3 में टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें 2 में से कोई 1 सॉल्व करना है, पहले था कि 4 में से कोई 2 सॉल्व करना होता था, अब है कि क्वेश्चन नंबर 7 में 2 है उसमें से कोई 1 सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है अगेन उसमें से 2 क्वेश्चन है उसमें से कोई 1 सॉल्व करना है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो ऐसा क्वेश्चन BPSC 67
मेंस में पूछा था, बस वहाँ पे है कि ये परसेंटेज मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे मेंशन एक्सप्लिसिटली कर दिया है, वहाँ पे नहीं किया था, जिसके कारण काफ़ी लोग को परेशानी हुई थी, मुझे ही परेशानी हुई है। अच्छा, अगर हाँ आप लोग एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका फीस कुछ ऐसा है कि 7,000 GS Paper 1 GS Paper 2 के लिए, एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, 7,7080, और एसे के लिए 5,900 करीब इतना लगेगा, लेकिन दोनों को एक साथ ज्वाइन करने पे 12,036 रुपये, करीब 900 रुपये कम पड़ते हैं। तो आप लोग ऑफिस विजिट करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एरोटेरिया वाला टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस है, उसका एरोटेरिया वाला टेस्ट सीरीज का प्राइस है 3,2999, तो 3,000 होगा, जिसमें कि इसमें 3,000 में GS Paper और SA Paper दोनों है, और परफेक्शन का है 12,000 में GS और SA Paper दोनों। ये ऑफलाइन है और एडिटेरिया वाला सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, तो ऐसा कुछ रहा। और ये लोग डिटेल मॉडल आंसर ही प्रोवाइड करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न 1, ब्रिटिश भारत में असामाजिक धार्मिक का सुधार आंदोलन और ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई नई सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक प्रणाली, मतलब जो भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको डिटेल में है। इंग्लिश वाले के लिए भी अलग से मिलता है और इंग्लिश हिंदी वाले के लिए भी अलग से मिलेगा। जो जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, आत्मसम्मान आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह विवाह, सती प्रथा, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले वाले, फिर निष्कर्ष कंक्लूजन भी ऐड करना होगा। नील आंदोलन के लिए कैसा था किसान आंदोलन का प्रथम संगठित विद्रोह, कारण नील विद्रोह के कारण नील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, नील आंदोलन का परिणाम क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी। देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना नहीं लिखना होगा क्योंकि ये इतना लिखने में करीब, यहाँ पे छोटा लग रहा है, लिखने में करीब 3 से 4 पेज लग जाएंगे, तो इसी का जो बेस्ट आपको लगे, जितना याद हो सके, 5 पेज, 5 पॉइंट याद करेगा तो 2 या 3 ही पॉइंट याद रहेगा एग्जाम में, 3 या मैक्सिमम 4, तो वो लिखा जाएगा। फिर ये रहा जनजातीय आंदोलनों का स्वरूप क्या है, तो इस पे भी है, तो सब कुछ का डिटेल और अच्छा मिलता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मुझे पसंद आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके मॉडल आंसर पसंद नहीं आते हैं, बट फिर भी 1-2 चलता है वैसे भी। फिर चंपारण सत्याग्रह पे तो डिटेल आंसर मिल जाएगा, तो इसका मैं PDF आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसा PDF मैं शेयर करने के बाद तुरंत डिलीट भी कर देता हूँ, तो आप लोग सेव कर लीजिएगा याद करके। और जैसे ही एडुटेरिया वाला करीब कल या फिर परसों PDF आएगा, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।